हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं अमोल भोज ने आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। और जैसे कि पता है कि मैं एक शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और मैं कोचिंग भी लेता हूँ। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप पे, चैटिंग पे, टेलीग्राम पे मैसेज, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, तो अभी मैं थोड़ा एक सीरीज़ बना रहा हूँ यूट्यूब पे, जो बेसिक्स जो बातें हैं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में मैं कुछ यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा। और आपको भी कुछ डाउट्स है मार्केट के बारे में, कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी पूछना है, आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिस हिसाब से मैं आगे की वीडियो बना सकता हूँ। मेरे कुछ पिछले वीडियो से आगे जो पहले मैंने बनाया है उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के साथ डाल देता हूँ, आप वो सब वीडियो भी देख लीजिए। ओके, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोबाइल से चार्ट में इंडिकेटर कैसे प्लॉट करते हैं, मोबाइल का डिवाइस, मोबाइल यूज़ करके। जैसे बहुत लोगों के पास में लैपटॉप या पीसी नहीं होता है, तो उनको बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि इंडिकेटर्स कैसे ऐड करना है मोबाइल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको लाइव करके बताऊंगा कि उसको कैसे ऐड करना है और उसको यूज़ कैसे करना है। ओके, यूज़ मीन्स उसको ऐड कैसे करना है और उसको टाइम फ्रेम कैसे चेंज करना है। कुछ दो तीन इंडिकेटर मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा। यूज़ कैसे करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कौन सा इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है, आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मैं आपको अभी लाइव मेरा जो ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लेके जाता हूँ। ये यहाँ पे मैं मेरा ज़ीरोधा के अकाउंट में लॉगिन हूँ। ओके, तो मेरी ये वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट में मैं कोई भी एक सपोज टाटा स्टील का चार्ट है, मैं टाटा स्टील का चार्ट ओपन करता हूँ। टाटा स्टील का चार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम सेट करता हूँ। ओके, डेली टाइम फ्रेम सेट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ऊपर में आप देखेंगे स्क्रीन के, वहाँ पे 1D लिखा है, एक पिन जैसा सिंबल है, फिर कैंडल के यहाँ पे आपको दिखेंगे कैंडल जैसा एक इमेज दिखेगा। उसके बाद जो में एफएक्स लिखा है, ओके, आप यहाँ पे एफएक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इंडिकेटर का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सर्च बार में आपको डालना है जो इंडिकेटर आपको प्लॉट करने वहाँ पर डाल सकते हैं। सपोज़ मुझे यहाँ पर डालना है मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा मूविंग एवरेज। ओके, कौन सा मूविंग एवरेज डालना है उसकी सेटिंग्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी। सपोज़ यहाँ पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 50 पीरियड मूविंग आ रहा है, मुझे यहाँ पे डालना है 20 पीरियड। ओके, 20 पीरियड मूविंग एवरेज डालना है, उसकी सेटिंग्स भी दी है, फील्ड टाइप, क्लोज, ऑफसेट वगैरह, कलर का, मूविंग एवरेज की लाइन की जो कलर, तो इसकी सबकी सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिलेगी। जो आपको चेंजेस करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि इसको मोबाइल पे ऐड कैसे करना है। ओके, और जो सेटिंग्स करके आप इसको फाइनल यहाँ पे आप डन कर सकते हैं। और देखिए आपका यहाँ पे इंडिकेटर स्क्रीन के ऊपर प्लॉट हो गया। सपोज़ आपको और कोई दूसरा इंडिकेटर इसके साथ ऐड करना है आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे और ऐड करना है पॉलिंजा बैंड, तो मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे एफएक्स के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पॉलिंजा बैंड। ठीक है, पॉलिंजा बैंड मैंने यहाँ पे, और बॉलिंजर बैंड की सेटिंग में मैं कुछ चेंज करूंगा नहीं, सिंपली डन कर दूंगा। देखिए यहाँ पे मेरा बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट हो गया। ओके, तो इसी हिसाब से आप ऐसे कोई भी आप इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। आपको और कुछ नए वीडियोस बनाना है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।